मणिमाजरा के शनिदेव मंदिर में शनिवार को आम आदमी पार्टी ने पौधे का लंगर लगाया, जिसमें भारी तादाद में तुलसी के पौधे लोगों को मुफ्त में बांटे गए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नगर निगम चुनाव प्रभारी चंद्रमुखी शर्मा विशेष तौर पर उपस्थित हुए। इस मौके पर चंद्रमुखी शर्मा ने कहा कि इस महीने आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ का लक्ष्य पूरे चंडीगढ़ में 125,000 पौधे वितरित करने का है। उन्होंने शहर के लोगों को शहर को ग्रीन बनाने के लिए पौधारोपण करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण करते ही करके ही शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के नेता चित्ररंजन चंचल, अशोक कुमार डैनी, अवतार सिंह मणि, आकाश गौतम, गिरी कपूर, मनोज शुक्ला आदि उपस्थित रहे। देखिए चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। वातावरण को स्वच्छ करने के लिए चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी द्वारा पौधे बांटे जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस वक्त हम आपको हाउसिंग बोर्ड से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पौधे दिए जा रहे हैं, जो आ रहे हैं लोगों को वो पौधे हैं। क्या नाम है महिपाल जी, जिस तरीके से आज आप ये पौधा दे रहे हैं लोगों को, क्या क्यों हम बांट रहे हैं? सर, चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी जो है वो चंडीगढ़ को स्वच्छ और हरा और पॉल्यूशन फ्री सिटी बनाने के लिए कृत संकल्प है। इसी पहल के तहत चंडीगढ़ के अंदर 111,000 पौधे, जिसमें तुलसी के पौधे मुख्य रूप से और औषधीय पौधे जो हैं वो दिए जाएंगे। तमाम जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, वहाँ पर लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, लोगों को इन पौधों के औषधीय गुणों के बारे में बताया जा रहा है, ताकि लोगों के अंदर रोग प्रतिरोग क्षमता जो है वो बढ़े और कोरोना से लड़ने में सहायता हो, और हमारा शहर चंडीगढ़ जो सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है वो और ज़्यादा हरा भरा हो और हरित क्रांति को इससे मतलब यहीं से हुई है। नहीं, चंडीगढ़ में ऑलरेडी कई दिनों से इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मणिमाजरा में पिछले कल से हमने जामा मस्जिद जो मनसा देवी रोड पे है वहाँ कल लगाया था, आज यहाँ श्री शनि मंदिर के बाहर है। आने वाले समय के अंदर जितने भी मणिमाजरा के विशिष्ट स्थान हैं, कोई भी मंदिर है, मस्जिद है, शिवालिक गार्डन है और जितनी भी जगह हैं, वहाँ पर सभी लोगों को इसके बारे में औषधीय पौधे दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी नेता चंचल जी भी मौजूद हैं। चंचल जी, क्या कहना चाहेंगे जो आज ये पौधा जो बांट रहे हैं? ये हमारा आम आदमी पार्टी की तरफ से एक अभियान है चंडीगढ़ को हरा भरा करने के लिए, और जैसे चंद्रमुखी शर्मा जी ने 111,000 पौधे यहाँ शहर में बांटने का प्रण लिया है, उसी की कड़ी में आज हमने ये शनि मंदिर पे ये लगाया है, और काफ़ी अच्छा आप देख ही रहे हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी हमने ठाकुर द्वारा में भी लगाया था चंद दिन पहले, और कल फ्राइडे को हमने मस्जिद पर लगाया था। तो हमारा एक मिशन है कि चंडीगढ़ स्वच्छ रहे, हरा भरा रहे और तंदुरुस्त रहे, यही हमारी अपना प्रयास है। ये चंडीगढ़ के आम आदमी पार्टी के नेता, जिनका कहना है कि चंडीगढ़ को स्वच्छ रखने के लिए 1,00,000 से ऊपर करीब पेड़ पौधे बांटे जाएंगे। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट।